नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल है। दोस्तों, आज का ये वीडियो है काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा बोया B1M1। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मैं आज अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, इसकी क्वालिटी चेक करके दिखाऊंगा, इसका सेटअप कैसे करना है वो दिखाऊंगा, और बाद में लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ये माइक लगाए तो। ठीक है, आजकल आपको पता ही है कि YouTube पे बहुत सारे लोग आ गए और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहता है कि बाहर की नॉइज़ है उसका प्रॉब्लम रहता है, या फिर सस्ता कोई क्वालिटी वाला आपने लिया है लोकल वाली ब्रांड तो उसके ऊपर बहुत सारा नॉइज़ आ जाता है, सही से नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये मैंने परचेज़ किया है बोया B1M1। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा, मैंने इसके काफ़ी पहले रिव्यू देखे थे और काफ़ी अच्छा माइक है ये। अगर आप इनिशियल लेवल पे अगर स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट है करने को, तो इसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता ही है आज के टाइम में, यूट्यूब के ऊपर आपको एक वीडियो क्वालिटी है अच्छी करनी पड़ेगी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। उसके अलावा आपको वीडियो की जो है क्वालिटी है, वीडियो के अंदर का कंटेंट है उसकी क्वालिटी, वो तो आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये तो चीज़ें भी मैटर करती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाला जो माइक है मैं परचेस कर दूँ। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है। ठीक है, गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 10 तारीख को मैं 10 या 11 तारीख को मैं इसका अनाउंसमेंट करूँगा, तो आप अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिएगा अभी, और आपके चांसेस बढ़ सकते हैं जीतने के, क्योंकि अभी बहुत सारे ज़्यादा कमेंट नहीं आए हैं उस वीडियो के ऊपर या बाकी वीडियोस के ऊपर, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। प्रमोशन के बारे में भी मैंने बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, प्रमोशन करवाना है, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। उसके दूसरा वाला वीडियो है, उसमें मैंने गिवअवे के बारे में प्रॉपर पूरी डिटेल्स बताई है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलो, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग में आपको दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट मुझे कैसा मिला था और क्या है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, सारी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये पहली बार ही वीडियो बन रहा है, ऐसा नहीं कि अनबॉक्सिंग करने के बाद दोबारा से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और उसके बाद दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ है वो आपको सामने ही दिखेगी, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें जैसे मैंने बताया क्वालिटी चेक भी बताया है, रिजल्ट इसका बताया है, सेटअप कैसे करना है इवन, वो सारी चीज़ें बताई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये है लावारियल माइक्रोफोन माइक्रो क्रेवेट, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये इसका सीरियल नंबर है और इसका मॉडल नंबर है BY M1। तो अभी इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, और इसमें क्या क्या है सारा कुछ आप देख सकते हो, वेट इसका कितना है वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी ये बॉक्स जो आपको एक बार ही अगर वेरीफाइड भी करना है तो यहाँ सीरियल नंबर से भी आप वेरीफाइड करवा सकते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो यहाँ से आप वेरीफाइड करवा सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो है स्मार्टफोन और कैमकॉर्डर और DSLR के लिए PC के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको खोल के देखते हैं, ठीक है, पूरा ओपन करेंगे बॉक्स, अनबॉक्सिंग करेंगे और हमको क्या क्या मिला है ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक मुझे जो वारंटी कार्ड एंड ये गाइडेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये जो है वारंटी कार्ड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, एक ये जो है इसके टाइम पीरियड के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो वारंटी कार्ड को, ठीक है। और ये जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी स्मूथ सा है, ठीक है, इसका जो कवर है स्पंची है, काफ़ी सॉफ्टी है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिली है। ओह माय गॉड, काफ़ी लंबा केबल दिख रहा है इसमें, तो ये काफ़ी सॉफ्टी है और काफ़ी स्मूथ सा है, मुझे इसका कवर काफ़ी अच्छा लगा, सबसे अच्छा कवर मुझे लगा। तो अभी हम देखते हैं कितना लंबा केबल है, आप देख सकते हो जैसे कि बहुत लंबा केबल है इसमें। और उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें मिली है हमको। तो अभी आप देख सकते हो ये जो है एक्चुअली ये हम किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं, स्पीकर्स वगैरह में, और ये स्पंज भी मिला है इसके साथ, और ये जो है कैरी करने के लिए टी शर्ट के ऊपर, और ये एक बैटरी मिली है, सेल मिला है एक। और मुझे इसका केबल जो है काफ़ी लंबा लग रहा है, ठीक है, आराम से ये लगभग 8 से 9 फीट का होगा मिनिमम, मुझे आइडिया नहीं है कितना होगा लेकिन 8 से 9 फीट का तो 100% होगा। तो अभी हम इसको, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लंबा केबल लग रहा है ये, और ये अभी आप देख सकते हो ये जो है ये भी कैरी कर सकते हो आप टी शर्ट के ऊपर, और मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट ये आपको दिखाना था कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिली है, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका सेटअप कैसे करना है वगैरह सारा कुछ। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसमें से बोलना होगा आपको और इसके ऊपर स्पंज लगा सकते हो, तो बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सेकंड हम बात करते हैं इसका जो सेटअप है, तो सेटअप कैसे किया जाता है इसमें, जो आपको दिया है अभी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहले तो इसमें आपको जो मिलता है वो एक माइक मिलता है, एक लंबी सी केबल होगी इसकी, तार होगी, ठीक है, और उसके साथ एक ये सेल मिलता है आपको, ठीक है, और उसके बाद साथ एक और एक अटैचमेंट मिलता है जो कि आप बड़े स्पीकर में लगा सकते हो या बड़े कोई बड़े इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हो, वो भी मैं सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका जो सेटअप कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये जो माइक है, ठीक है, माइक का जो है बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये जो है ये तीन चीज़ मिलती है, एक तो माइक, ठीक है, और इसकी काफ़ी लंबी तार है, काफ़ी लंबी केबल है इसकी, और इसके अलावा ये जो स्पंज है, ठीक है, उसके अलावा एक सेल मिल जाता है आपको, और ये एक कैरी करने के लिए एक ये चीज़ मिल जाती है। तो अभी इसको हम सेटअप करेंगे पूरा इसका। तो सबसे पहले जो है इसको कैसे लगाना है आप देख लीजिएगा, सिंपली यहाँ से इसको फिट कर देना है, ठीक है, और उसके बाद ये जो स्पंज है इसको लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अभी ये जो सेल है, सेल को लगाने के लिए ये वाला पोर्शन हमको निकालना पड़ेगा, इसके बाद फिर यहाँ से सिंपली इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है, बस इतना सा ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ हेडेक वाली बात नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको।
इसमें केबल काफ़ी लंबी है, तार काफ़ी लंबी है, तो देख सकते हो आप। और इसको भी यहाँ पे कैरी करने के लिए शर्ट पे या टी शर्ट के ऊपर कैरी करने के लिए ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला भी पोर्शन जो है आप शर्ट के ऊपर लगा सकते हो अपने, ठीक है, कॉलर माइच है इस वजह से। और ये केबल आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी केबल है इसकी। और इसको भी मतलब फोल्ड करने के लिए ये वाला चीज़ दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसका सेटअप करना है, बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। तो अभी हम बात करते हैं थर्ड चीज़ के बारे में। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ हमने इसकी क्वालिटी चेक करनी है। तो मैं आपको पहले नॉर्मल वॉइस से आपको बताऊंगा कि कैसा वॉइस आ रही है, और अभी उसके बाद फिर मैं आपको ये माइक लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, बोया का। तो उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको लेना चाहिए ये वाला माइक या नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल वॉइस वाले बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो सुन रहे हो वो आवाज़ जो है मेरी विदाउट माइक है, तो आप देख सकते हो कि विदाउट माइक कैसी वॉइस आ रही है और आपको अंतर दिख रहा होगा। अभी मैं आपको जस्ट एक जो मेरा लैपल माइक था पहले वाला 150 से 200 रुपये वाला, उसके अंदर टेस्ट करके मैं दिखाऊँगा। तो चलो देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो जो है माइक विथ माइक है, लेकिन ये जो मैंने बताया था 150 से 200 रुपये वाला माइक है, उससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरी वॉइस कितनी क्लियर आ रही है आपको। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा लैपल माइक है जो अभी हमने परचेस किया है अभी बोया का। तो दोस्तों अभी हम बोया का माइक टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें कैसी वॉइस आ रही है, उसमें कितनी हद तक नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है। तो अभी चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो सुन रहे हो मेरी वॉइस, तो उसमें आपको बिल्कुल नॉइस बहुत ही ज़्यादा मतलब कम आ रही होगी, तो आप समझ सकते हो कि कितना अंतर है इसमें। और फिर भी मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ है, फिर भी आप समझ सकते हो कि कितना नॉइज़ इसमें कैंसिल हो जाता है। और इसी वजह से ये सबसे अच्छा माइक है बोया का BYM1, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैंने परचेस। अभी हम आउटडोर का भी नॉइज़ देखेंगे कि कितना कैंसिल हो जाता है इसमें से। तो चलो अभी आउटडोर का देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो विदाउट माइक बोल रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि विदाउट माइक कितनी नॉइज़ आ रही है बाहर की। अभी मैं आपको माइक लगा कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो विद माइक बोल रहा हूँ, जो हमारा बोया का माइक है उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी आपको नॉइज़ जो है वो वॉइस जो आपको आ रही है वो आपको पता चल रहा है कि कितनी नॉइज़ इसमें कैंसिल हो जा रही है। तो अभी आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये जो है मैं शूट कर रहा हूँ आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हो डिफरेंस इसका। तो दोस्तों आप सारे जो चीज़ों का मतलब सारी जगह का आउटडोर का भी देख लिया आपने, विद माइक भी देख लिया, पुराने माइक से भी देख लिया, और ये नया माइक जो है उससे भी देख लिया कि कितना अंतर है, ठीक है, सब में कितना अंतर है, कितना नॉइज़ कैंसिल हो जाता है। तो आपने देख लिया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सारी बातें जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते मैं दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये माइक जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने मोबाइल में, तो आपको एक ओपन कैमरा वो ऐप को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अपने एंड्रॉयड में यूज़ करना, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर DSLR यूज़ करना चाहते हो, DSLR में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, DSLR में सीधे ही आप लगा के यूज़ कर सकते हो इसको, इस माइक को, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या कुछ सजेशन देना चाहते हो वीडियो के रिगार्डिंग, देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। और चलो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।